इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डीजल और पेट्रोल कार को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी कार्स में फ्यूल कैप पर डीजल या पेट्रोल का स्टिकर लगा होता है, लेकिन ऐसे कार जिन पर स्टिकर नहीं होता उसको आइडेंटिफाई आप उसके मॉडल नंबर पढ़कर कर सकते हैं। डीजल इंजन कार्स के मॉडल नंबर में डी कॉमन होता है, जैसे हुंडई किया सीआरडीआई, टोयोटो डी4डी, लैंड रोवर टीडी6, होंडा आईडीटीसी, मारुति सुजुकी LDI, VDI। दूसरा तरीका यह है कि डीजल इंजन कार में थोड़ा साउंड ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन। इसके अलावा आइडल कंडीशन में डीजल इंजन कार से गड़गड़ाहट की नॉइज़ आती है, जबकि पेट्रोल इंजन काफ़ी स्मूथ चलता है। डीजल इंजन कार्स को आइडेंटिफाई करने के लिए तीसरा तरीका यह है कि डीजल इंजन में कभी भी स्पार्क प्लग नहीं होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह कॉमन नेल होता है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, कॉमन नेल होता है, और पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग होता है। चौथा तरीका ये हमें डीजल इंजन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि डीजल इंजन में हमेशा टर्बो और इंटरकूलर होगा, जबकि हमारे पेट्रोल गाड़ी में टर्बो और इंटरकूलर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी पेट्रोल गाड़ी में इंटरकूलर और टर्बो नहीं होता है, पेट्रोल गाड़ी में भी कुछ कुछ गाड़ी में हमें वो टर्बो और इंटरकूलर देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली हम कह सकते हैं कि मोस्टली डीजल इंजन कार में हमें टर्बो और इंटरकूलर देखने को मिलता है। तो ये था कुछ फैक्टर्स जिनको देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपका जो कार है वो डीजल कार है या पेट्रोल कार है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।